तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक्चुएटर को टेस्ट करने के लिए हमको एक मल्टीमीटर से तो काम हो जाता है, लेकिन आपने देखा कि अगर आप सिंगल हैंडेडली काम कर रहे हो तो वो टाइम पे एक्चुएटर में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लोग वो ब्लिंकिंग देख नहीं पाते हैं मल्टीमीटर के ज़रिए, और इसीलिए हमारा वो टाइम पर यूज़ होता है जो हम लोग पावर प्रोब बोलते हैं या सर्किट टेस्टर बोलते हैं। ये हमारा पावर प्रोब है। अब देखिए, ये जो पावर प्रोब आप देख रहे हो ये एक कंपनी है केजी करके, उसका है। इसके अंदर कुछ मोड्स आते हैं, जैसे कि आप डीसी देख सकते हो, एसी देख सकते हो, फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर ड्यूटी साइकिल दिखा देता है, फ्यूल इंजेक्टर दिखा देगा आपको, और रेजिस्टेंस है और डायोड है। तो ये सारा यहाँ पर हमको दिखा देता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर आपको मल्टीमीटर का यूज़ करना है कि जैसे कि आप मल्टीमीटर वोल्टेज चेक करना चाहते हो, उस केस के लिए आपको डीसी पे रखना होता है। सबसे पहले देखिए, सिंपली ये यहाँ पे पावर ले लेता है बैटरी से आपकी, ठीक है। इसका ऑलरेडी ग्राउंड होता है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जैसे रखता हूँ, ये देखिए दिखा देगा मुझे कि यहाँ पे रेड का मतलब होता है पॉजिटिव वोल्टेज। ये लाइट आपको छोटी सी दिखाई दे रही है, ठीक है। सेम टाइम पे मैं अगर नेगेटिव पे रखता हूँ तो देखिए ग्रीन वोल्टेज, यानी कि मेरी, अगर मैं ग्रीन ग्राउंड पे रखता हूँ तो ग्राउंड पे मेरे को ग्रीन वोल्टेज दिखा देता है। इसका मतलब ये मेरा नेगेटिव वोल्टेज है, ये मेरा पॉजिटिव वोल्टेज हो गया रेड, और ग्रीन मेरा नेगेटिव वोल्टेज। इस तरह से किसी भी सर्किट में सबसे पहली तो आसानी ये होती है कि ये पता लगाया जा सकता है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो हम लोगों को मल्टीमीटर में बजर पे डालना पड़ता था, ठीक है। तो ये पहली एक आसानी हो गई। तो मैं वही वाले सर्किट को एक ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव है या नहीं है। तो ये देखिए, हम लोग मल्टीमीटर में क्या बजर पे डालते हैं उसकी ज़रूरत हमको यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो देखिए, मैं ना ये वाले सॉकेट में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम लोग एकदम सिंपल तरीके से चेक करते हैं कि हमारा डीसी वोल्टेज है नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव। तो देखिए, एक नंबर पे नेगेटिव है, ग्रीन लाइट का मतलब नेगेटिव, आई होप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यस। इसके बाद में दो नंबर पे देखिए रेड कलर, तो ये मेरा रेड जल गया, पांच वोल्टेज यानी पॉजिटिव, और ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पर दिखा रहा है मुझे, जो कि कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से मुझे पता चल गया, एक नंबर पे ग्राउंड है, दो नंबर पे पांच वोल्टेज, तीन नंबर पे पांच वोल्टेज, और चार नंबर पे जीरो जीरो आ रहा है, यानी ना नेगेटिव वोल्टेज है ना पॉजिटिव वोल्टेज है, ठीक है। इसको जैसे ही मैं क्लोज करूँगा, क्लोज करने के बाद में बैक प्रोब करके मुझे एक बार कन्फर्म करना है कि ये सेंसर लगाने के बाद में चार नंबर बदलता है कि नहीं बदलता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली चार नंबर को बैक प्रोब कर दूँगा। अब बैक प्रोब करके मैंने सिंपली यहाँ पर इसको फिट कर दिया, देखिए तो मेरी चार नंबर पे भी पॉजिटिव वोल्टेज है। तो ये तो हो गया जिसमें आप लोग वोल्टेज टेस्ट कर रहे हैं, आपने ग्राउंड कंफर्म कर लिया, ये है इसका प्राइमरी वर्क। अब देखिए, मैं जब इसको इस्तेमाल करता हूँ, मैं मैक्सिमम टाइम उस सर्किट में इस्तेमाल करता हूँ जहाँ पे मेरे पास किसी भी तरीके का कोई मटेरियल अवेलेबल होता नहीं है, ये पता करने के लिए नेगेटिव आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, पता करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये सेंसर, ये जो सर्किट टेस्टर है, ये आपके बहुत सारे काम करता है। तो सबसे पहले तो चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है। अब देखिए, इसके बाद ये हो गया जिसमें आप सेंसर की वोल्टेजेस चेक कर रहे हैं, अगर आप उसमें फ्रीक्वेंसी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट होता है कि एक्चुएटर को कैसे चेक किया जाता है। और एक्चुएटर को टेस्ट करने के लिए इसके अंदर एक फंक्शन होता है, ये देखिए, ये एक्चुअली में एक्चुएटर को टेस्ट करने का फंक्शन है। जिस सर्किट में ग्राउंड जाना है, आप बैक करोगे तो ग्राउंड जाएगा, ये देखिए, ठीक है, और आप आगे की तरफ दबाओगे तो आपको पॉजिटिव जाएगा, यानी यहाँ पे 12 वोल्टेज और यहाँ पर ग्राउंड। इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब अपने को पता है कि करंट आ नहीं रहा है जो आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम एक्चुएटर की है या वायरिंग की भी है। तो हम लोग उसको डायरेक्ट जो करते हैं बैटरी से वायर देके, उसको ना करते हुए हम लोग ये कर सकते हैं। मैं आप लोगों को हेडलाइट के माध्यम से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बस आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो रेगुलरली चलते हैं, जैसे कि ईसीएम रिपेयरिंग का जो प्रोग्राम है हमारा, ईसीएम रिपेयरिंग प्रोग्रामिंग कोडिंग, इसका जो हमारा कोर्स चलता है वो एक महीने का हमारा कोर्स होता है। उसके लिए एडमिशन जो है वो हर महीने एडवांस में चलते हैं। आप लोगों को अगर किसी को भी एडमिशन लेना हो तो अभी हमारे पास में बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि सिर्फ डिस्काउंट के साथ, यानी कि आप जो अपना पैसा बचा पाएंगे वो तो बचा ही पाएंगे, साथ ही के साथ इसमें एक रिवॉर्ड सिस्टम हम लोग चलाते हैं। मतलब रिवॉर्ड सिस्टम क्या होगा, उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो उसको जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं, यानी कि आपने आईटीआई किया है, आपने 12th पास किया है, इस अगर आप ये सारे स्ट्रीम से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास में अलग अलग कोर्सेस हैं, और वो कोर्सेस के लिए आप इनरोल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी जानकारी जो भी आप लेना चाहते हैं उस पर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी हेडलाइट है ना,
हेडलाइट में मेरे तीन वायर है, 1, 2, 3, और तीनों में से एक पे स्विच होगा, ठीक है। और इसमें हाई बीम लो बीम रहता है, तो इसीलिए दो वायर एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। हमको क्या करना है, पहले ये देखना है कि तीनों में क्या आ रही है। इग्निशन ऑन पे, फिलहाल मेरा इग्निशन ऑन है, हेडलाइट ऑन नहीं है। तो देखिए नेगेटिव आ रही है एक नंबर पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो नेगेटिव आ रही है। दो नंबर पे भी नेगेटिव है और तीन नंबर पे भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे मुझे तीनों जगह पे नेगेटिव ही मिल रही है इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब मुझे देखना क्या है, अब मुझे सिंपली ये देखना है कि इनमें से कौन सा वायर में वोल्टेज बदलती है जब मैं स्विच ऑन कर देता हूँ। तो मैं ऑन करके आता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो देखिए मैंने हेडलाइट ऑन कर दी, जैसे ही मैंने हेडलाइट ऑन की जिस वायर में ग्राउंड आ रहा था उसी वायर में मुझे पॉजिटिव आना शुरू हो गया 10 वोल्टेज, ठीक है। अब ये वाले में भी देख लेते एक बार, इसके अंदर अभी भी ग्राउंड है, किसके अंदर, दो नंबर में, यहाँ पे अभी भी ग्राउंड ही आ रहा है और एक नंबर में भी मेरे ग्राउंड ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा स्विच हो रहा है यहाँ पर वो मेरा हो रहा है एक तीन नंबर पे पॉजिटिव आने के बाद में स्विच हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हेडलाइट को ऑफ कर देता हूँ। हेडलाइट को ऑफ करने के बाद में मैं आपको सर्किट टेस्टर से बताता हूँ कैसे इसको हम डायरेक्टली ऑन करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो कंफर्म कर लेते कि वापस ग्राउंड आना चालू हुआ कि नहीं हुआ सर्किट के अंदर। थोड़ा लूज है, मैं इसको एक बार टाइट कर देता हूँ। तो देखिए ये अभी यहाँ पे हो गया, हाँ तो ये मैंने टाइट कर दिया। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों को एकदम दिखाने के लिए थोड़ा सा नज़दीक लेकर आता हूँ इसको। तो मैंने जैसे ही पॉजिटिव दिया मेरी हेडलाइट ऑन हो गई, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से जैसे ही छोड़ूंगा ये देखिए हेडलाइट बंद हो गई। इस तरह से आप इस टूल का इस्तेमाल कर, जिससे कि आप किसी भी एक्चुएटर को चेक करने के लिए डायरेक्टली यहाँ से पॉजिटिव या नेगेटिव देकर देख सकते हो। बस यही चीज़ का हमको ध्यान रखना होता है। तो ये है वो सिस्टम दोस्तों जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये कैसे काम करता है, ठीक है, वोल्टेज और आप एक्चुएटर को कैसे चेक करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका प्राइमरी फोकस क्या है, ये हम मल्टीमीटर से नहीं कर सकते। एक चीज़ और बताता हूँ, जो मैंने यहाँ से 12 वोल्टेज दी है अगर उसमें कभी शॉर्ट सर्किट होगा तो ये ट्रिप मार देता है, जो कि आप डायरेक्ट अगर वायर बैटरी से देते हो तो वैसा नहीं होता है। इसी कारण से आपको अगर डायरेक्ट देखना है, जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक्चुअली में ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इतने सारे पार्ट हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि पार्ट की प्रॉब्लम है या वायर की प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये तरीका यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन याद रखिए डायरेक्ट में आप इनसिक्योर लाइन पे बिना किसी सेफ्टी के आप उसको ये देते हो, डायरेक्ट वोल्टेज देते हो, जिससे कि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो पार्ट भी ख़राब हो जाएगा, वायर भी ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब आप इस तरह से देते हो तो ये सिक्योर होता है, इसमें ट्रिप होता है, अगर कभी शॉर्ट सर्किट हुआ भी तो ये ट्रिप कर देगा और पार्ट को भी बचा देगा, वायर को भी बचा देगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये इसका फंडामेंटल यानी कि शुरुआती तौर पे यूज़ है, इसके बाद इसका बहुत सारा यूज़ आता है, ठीक है। तो आप लोग इसके नोट्स बनाइए, अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं आप लोग ले लीजिए, काम कीजिए, बहुत काम की चीज़ है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसका बहुत अच्छा आता है, ठीक है। थैंक यू।